आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोग सामने नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ, वो है मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की सबसे बड़ी बुनियादी मांग यह थी कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि के मूलभूत कुछ मानव अधिकार मिले। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संविधान के मूल पाठ में ही कतिपय वाद योग्य अथवा न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकने वाला मूल अधिकारों की औपचारिक घोषणा किए जाने की जरूरत पर बल दिया। मोटे तौर पर संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार शामिल किए गए, वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के ऐसे अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून या कार्यपालक कार्य को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि वे कानून अथवा कार्यपालक कार्य संविधान में ही बताए गए हैं किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत ना आते हों तो उन्हें असंवैधानिक तथा अमान्य ठहराया जा सकता है। इस प्रकार मूल अधिकारों के प्रवर्तन का तंत्र, उसकी क्रियाविधि भी संविधान में निर्धारित है। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को निरपेक्ष शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है, किंतु किसी व्यक्ति के कोई निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कम से कम व्यक्तियों के उसी प्रकार के अधिकारों द्वारा सीमित होते हैं। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों पर वैध प्रतिबंधों का पता लगाना पड़ा, उसकी पहचान करनी पड़ी, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रतिबंधों को संबंधित उपबंधों में ही शामिल करने का निर्णय किया। इस प्रकार हमारा संविधान एक और व्यक्तियों के अधिकारों और दूसरी ओर समाज के हितों, राज्य की सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक संतुलन प्रस्तुत करता है।